नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती कीमतें एवं देश भर में कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ आज अरवल जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय शर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के पूर्व कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं ने अरवल शहर की विभिन्न सड़कों पर भ्रमण करते हुए पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों व महंगाई के लिए सरकार के खिलाफ गगनभेदी नारे लगाते हुए मार्च किया। फिर पुतला दहन किया गया। फिर बाद में अरवल कचहरी मोड़ पर एक महती सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि आज पेट्रोल 100 रुपए के पार, डीजल 90 रुपए और गैस 800 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। साथ ही सरसों का तेल 150 रुपए किलो हो गया है। अन्य वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम पर सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया है। सरकार बिचौलियों एवं जमाखोरों को लूट की छूट दे दिया है, इसलिए मोदी जी के पुतला जला रहे हैं। पुतला दहन में कोषाध्यक्ष निसार अख्तर अंसारी, उपाध्यक्ष श्री कामेश्वर शर्मा, प्रवक्ता मुजावेद अख्तर, संजय कुमार सिन्हा, सुनील कुमार, वेंकटेश शर्मा, अरुण कुमार भारती, सुरेंद्र यादव, अंगेश राजपूत, श्री भगवान यादव, दा जफर खान, शौकत इमाम सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं में भी संबोधित किया। रिपोर्ट वीरेंद्र चंद्रवंशी, अरवल, बिहार।